जादूगर को अगर देख लिया जाए तो कत्ल कर दिया जाए। तुम्हें हुक्म नहीं है, हुकूमत को हुक्म है, जो अमीर हो वो ऑर्डर करेगा। अगर हर आदमी कत्ल करना शुरू कर दे तो फिर तुम कहोगे ये जादूगर रहा था। सबूत क्या है कि जादूगर है वो? मेरी दो बहनों के लिए अल्लाह हर मुसलमान बच्ची का नसीब अच्छा करे, अच्छी जगह रिश्ते तय हो जाएं और मुस्तकबिल भी खैर का हो। एक की उम्र 11 साल है, दूसरे की 13 साल है। अगर मैं तायब जाऊँ तो उनको एहराम बांधना चाहिए? आजकल 13 साल के बच्चे बालिग हो जाते हैं। आजकल तो माशाल्लाह 4 साल का बच्चा भी ख़तरा है कि बालिग ना हो गया हो। ये फिल्में जो देखते हैं रोज़, बालिग नहीं होंगे तो क्या होगा? मेरी बीवी मुझे और मेरे वालिदैन को गालियाँ देती है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसको समझाओ, अगर बाज ना आए तो ऐसी औरत को तलाक दे दो। जो खावन पे लानत करे उसको बीवी समझेगा? मेरी अहलिया बेटा बीमार है, दवा के बगैर नींद नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला जो है शिफा अता फरमाए। और नींद के लिए भी सबसे बड़ा अमल दरूद शरीफ है। उनको कहें कि रात को वजू करके पाक बिस्तर पर सोएं और दुरुशी पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, इसी नीयत से कि अल्लाह मुझे सुकून की नींद, इंशाअल्लाह नींद आ जाएगी। 1 करोड़ दरूद जो है अफजल, मैंने बता दिया ना, वही है जो नमाज में पढ़ते हो। यार मुश्किल क्या है? यानी आप हैरान होंगे, मेरे शेख थे बुढ़ापे में रोज़ाना 1 लाख दरूद पढ़ते थे और पाबंदी से नमाजें, इशराक, अवाबीन, और फिर हमें पढ़ाते भी थे, उसमें भी तो टाइम लगता था। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने उनके वक्त में ऐसी बरकत दे रखी थी, क्योंकि जब आदमी दीन में आता है तो उसके वक्त को अल्लाह उसके लिए बरकत पैदा कर देता है कि थोड़े वक्त में काम ज़्यादा हो जाते हैं।